बीजेपी के मैनिफेस्टो और पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से दो शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। ये बात कही है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में समाज के चार स्तंभों, महिला, युवा, गरीब और किसान के विकास पर जोर दिया गया है, लेकिन विपक्ष ने इस घोषणा पत्र को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से दो शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर बीजेपी चर्चा तक नहीं करना चाहती। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला, अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। इसी के साथ राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें युवाओं को पक्की नौकरी का कांग्रेस का वादा दोहराया गया है। मेरी बहने सिलेंडर भर नहीं पा रही थी, तब कहा थे मोदी जी, चुनाव नहीं था ना बहने, इसलिए चुनाव नहीं था। अब चुनाव आ रहा है तो सिलेंडर का दाम घट रहा है, चुनाव आ रहा है तो महंगाई घटाने की कोशिश हो रही है, नहीं तो अब तक पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे। वहीं से पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर कहा था कि आपने 2014 में जो कहा था, आपने 2019 में उसका हिसाब नहीं दिया और 2019 में नए जुमले गढ़ दिए और अब 2024 में आप 2047 की बात कर रहे हो। बीजेपी ने घोषणा पत्र में लिखा है कि वे 2036 ओलंपिक की मेजबानी करेंगे। आप उस समय कहाँ होंगे? क्या आप सरकार में होंगे? आपको 5 साल का हिसाब देना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी उन्होंने दी थी, वो गारंटी 15-15 लाख रुपए काले धन बाहर से लाकर देने का वायदा किया था, वही गारंटी। फिर किसानों की आमदनी डबल करूंगा कि उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और MSP मैं बढ़ाऊंगा और MSP को मैं लीगल स्टेटस देऊंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ करे। सर कर रहे अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीज़ें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है।